जिस तरह से टीवी ट्रांसफॉर्म हो गया है इंटरनेट की वजह से, आज म्यूज़िक ट्रांसफॉर्म हो गया है इंटरनेट की वजह से, आज एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है इंटरनेट की वजह से। आज से 10 साल पहले दुनिया में इंटरनेट की वजह से यूट्यूब आ गया, 10 साल पहले यूट्यूब नहीं होता था। आज से 8 साल पहले आईफोन नहीं होता था, बटन पुप्पी कहती थी कि बगैर बटन के तो फ़ोन ही नहीं हो सकता, राइट। तो हर चीज़ चेंज हो रही है, बिल्कुल उसी तरह से एजुकेशन भी चेंज हो रही है। और एजुकेशन दुनिया में यूट्यूब के ऊपर एक मिनट में 180 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है, जो कि आप सारी ज़िंदगी में भी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं। एक मिनट में इतना नॉलेज आ जाता है। दुनिया में 22,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं। इन तमाम यूनिवर्सिटी के बेहतरीन लेक्चरर्स जो हैं, उन्होंने अपने सारा का सारा नॉलेज यूट्यूब पे डाल दिया है। और कुछ लोगों ने एडेक्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसके अंदर MIT और हार्वर्ड के सारे लेक्चरों को कंबाइन करके, कोर्सेज की शक्ल करके 1 बिलियन लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसका नाम है एडेक्स। इसी तरह से कोर्सेरा एक हमारी और दोस्त ने बनाई, और उन्होंने 17 यूनिवर्सिटियों के साथ कोलैबोरेशन किया, और आप 17 यूनिवर्सिटियों से फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कोर्सेरा के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह से यूडमी के नाम से एक और प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके अंदर आप जो कुछ आपको आता है पढ़ा सकते हैं, और जो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, और चार्ज देते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। और माई फेवरेट इज़ अगेन YouTube, जिसके ऊपर मैं जाता हूँ, और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं 8 घंटे लगाता हूँ तो उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हम विजुअल होते हैं, हम लफ्ज़ों को नहीं जानते, हम इमेजेस को जानते हैं। हम सब इंसान इमेजेस में सीख सकते हैं। मैंने टोनी बुजायन के साथ बहुत टाइम गुजारा है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि हमारा दिमाग नहीं सोचता कि तस्वीरों के बगैर, कलरों के बगैर। टोनी बुजायन ने 130 किताबें लिखी हैं सिर्फ दिमाग कैसे काम करता है उसके ऊपर। तो मैं तो उन्हीं की बात को समझता हूँ, और मुझे भी तस्वीरें याद रहती हैं, इमेजेस याद रहते हैं, लोगों की शक्लें याद रहती, नाम नहीं याद रहते। तो जब हम ऑनलाइन जाके वीडियो पे पढ़ते हैं जिसके अंदर एनिमेशन आ रही होती है, जिसके अंदर तस्वीर आ रही होती है, तो हमें सीखना बहुत तेज़ी से शुरू कर देते हैं। ये वो 3 वेबसाइट्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं। उसके अलावा बहुत सारी भी रिसोर्सेज हैं जो आप गूगल पे लिखकर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए देख सकते हैं। मेरी अपनी अटेम्प्ट जो है वो rehanschool.com है, जो कि बिल्कुल बेसिक एजुकेशन के लिए है, इलिटरेट्स के लिए, जिसको हम ना खवानदा कहते हैं, वो जाके आप डाउनलोड करके किसी को भी फ्री ऑफ चार्ज खवानदा बना सकते हैं। फिर एक और मेरी अटेम्प्ट है रिहान यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसके ऊपर मैंने ये तमाम वेबसाइटें इकट्ठा करके वहाँ लगा दी हैं, जहाँ से आपको इकट्ठी आराम से किसी भी साइट पर जाके आपको रिसोर्स मिल जाएगा कि कहाँ जाके स्टडी करें। एक और मेरी फेवरेट साइट है, जिसको हम TED-Ed कहते हैं, TED.com ने एजुकेशन को एनिमेशन के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश की है, और उसके ऊपर कोई भी जाके, आप भी जाके पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है। मेरे एक दोस्त ने 2 साल पहले कहा कि फ़ोटोज़ ले लो स्कूलों के, क्योंकि 6 साल के बाद तुम्हें ऐसे स्कूल्स नज़र नहीं आएंगे। एक और, मैं कतर की वाइज कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर एक प्रोफेसर ने PhDs का पैनल बैठा हुआ था, पूछा कि बेगम ढूंढने के अलावा यूनिवर्सिटियाँ और किस काम आएंगी। तो एक सवाल था जो कि बहुत सब हंसने लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि एजुकेशन चेंज हो रही है। और आज जिस किस्म की एजुकेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वो कि एजुकेशन हो सकता है हमारे काम ना आए। मैं दावत देता हूँ आपको कि आप सर केन रॉबिन्सन का लेक्चर ज़रूर देखें टेड पे, और उनकी किताब एलिमेंट ज़रूर पढ़ें। इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर ज़रूर करें कि आप ऑनलाइन किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं। और आखिर में khanacademy.org को मैं मेंशन करूंगा, जो कि स्कूलिंग को रिप्लेस कर रही है। ऑनलाइन स्कूलिंग आप घर बैठ के किसी को भी दे सकते हैं। स्कूल चेंज हो रहे हैं, और एजुकेशन चेंज हो रही है, इंटरनेट की वजह से सारे नॉर्मेलिटीज चेंज हो रहे हैं। इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये ना सोचें कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो आप होपफुल नहीं हो सकते। लैपटॉप पाकिस्तान में 6,000 रुपये का मिलता है, टैबलेट 4,000 रुपये की मिलती है। आप एक टैबलेट और एक लैपटॉप से किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। इंटरनेट सब कुछ चेंज कर देगा। बहुत ज़रूरी है इसको समझना,
और आज की पॉलिसीज़ बनाने से पहले याद रखिए कि 10 साल बाद जब आपका बच्चा ग्रेजुएट होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। उस दुनिया के लिए आपने इनको प्रिपेयर करना है अगर, तो उन्हीं टूल से करना होगा जो उस ज़माने में काम आएंगे। ऐसे औज़ार जो कि आपको 10 साल बाद अवेलेबल ही ना हो, उनको सिखा के क्या फ़ायदा। शुक्रिया।